में इस नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स की बहुत ही टफ मानी जाने प्रॉब्लम को। ओके, तो इस प्रॉब्लम का नाम है दोस्तों सेंट्रल फोर्स। तो आगे इसमें हम क्या-क्या इसके यूजेस हैं, इसके क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों सेंट्रल फोर्स बहुत ही ज्यादा टफ एक प्रॉब्लम मानी जाती है, जो कि हर जगह से यही कमेंट आ रहा है इस प्रॉब्लम को सबसे पहले डिस्कस करो। ओके, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को मैं बहुत इजीली आपको समझाने वाला हूं, जो कि आप इजीली समझ सकेंगे। ओके, तो मेरा नाम है राज है दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले मिल सकती हैं। ओके, तो दोस्तों हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी फिजिक्स पढ़ी होगी, ओके, उसमें आप लोगों ने डायनेमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में नाम सुना होगा। तो ये डायनेमिकल प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है? एक ऐसी प्रॉब्लम जो डायनेमिकली वेरी करती है। तो डायनेमिकल का मतलब यहाँ पे क्या आता है? डायनेमिकल मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है किसी अगर स्पेस में किसी ऐसे प्लेस पे रखा हुआ है, अगर वो मूव कर रहे हैं उस पर अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ओके, तो उसको एक्सेलरेशन मिलती है और वो मूव करने में मजबूर हो जाती है। तो वहाँ पे अगर डायनेमिकल प्रॉब्लम आपने ऐसी पढ़ी होगी, तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम एक ऐसे मतलब अभी तक तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे फोर्स लग रहा था, ऐसे मोशन हो रहा था, ठीक है। तो हम एक ऐसे अब मोशन के बारे में पर्टिकुलर टाइप का एक फोर्स अप्लाई करेंगे जो हम हमारे ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएगा। ओके, तो पर्टिकुलर टाइप का फोर्स क्या है? तो फोर्स है हमारा सेंट्रल फोर्स। ओके, तो वो फोर्स कैसी कैसी प्रॉपर्टीज पे लगता है, कैसी बॉडीज पे लगता है? तो एक डायनेमिकल टाइप प्रॉपर्टीज बॉडीज जो है उस पर लगता है, लाइक रिजिड बॉडी। और जो हमारी एक और चीज आती है वो क्या है? हमारा मूवमेंट या मोशन किस चीज में अप्लाई होता है? वो हमारा स्मॉल ऑसिलेशन। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म हमने यूज किए हैं, एक है हमारा रिजिड बॉडी, पहला है हमारा रिजिड बॉडी सेंट्रल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये डायनेमिकल डायनेमिकली बॉडी है। ओके, सेकेंड है हमारा स्मॉल ऑसिलेशन, इन दो जगह पे हमारा सेंट्रल फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो यहां पे दो टर्म हमारे जो है, रिजिड बॉडी क्या होता है दोस्तों? रिजिड बॉडी कैसी बॉडी, ठीक है, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो बहुत ही फिक्स होता है। ओके, अगर रिजिड बॉडी क्या हो सकते हैं, सपोज यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है अगर ये फिक्स हमेशा रहता है तो ये बॉडी हम बोल सकते हैं कि रिजिड है। ओके, दूसरा है हमारा स्मॉल ऑसिलेशन। तो दोस्तों स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब, सपोज दो हमारे पास स्प्रिंग रखे हुए हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं, इनको जब एक को मूव किया जाता है, एक को तो अपनी पोजीशन से हिलाया जाता है, तो दूसरा भी अपनी पोजीशन से हिलने की कोशिश करता है इस स्प्रिंग के थ्रू। तो जब इनके बीच में ऑसिलेशन बहुत ही कम होता है, ओके, इसका दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर कोई मैंने पेंडुलम लटका दिया है, अगर इसको मैं उठा के छोड़ देता हूँ और ये उठा के छोड़ देता हूँ, तो छोटा सा जो ऑसिलेशन होगा इसमें, ओके, इनके बीच जो मूवमेंट होगी, छोटी सी जो मोशन होगी, अगर वो बहुत ही छोटी सी होती है तो उसको हम स्मॉल ऑसिलेशन का नाम दे देंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, जो हमारी सेंट्रल फोर्स होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप की फोर्स होती है। ओके, और वो कहाँ कहाँ चीजों के लिए, किस किस चीजों के लिए अप्लीकेबल है? तो वो है हमारा पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी है, लाइक रिजिड बॉडी, और पर्टिकुलर टाइप का एक मोशन है उसको हम स्मॉल ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं इसको हम दो पर्टिकुलर टाइप का नाम दे दिया। ओके, और आगे देखते हैं, तो जो हमारी सेंट्रल फोर्स होती है वो फिजिक्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफेस्ट प्रॉब्लम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जो सेंट्रल फोर्स है, ये हमारे नेचर के मैकेनिक्स से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे टर्म यूज हुआ है नेचर की मैकेनिक्स, तो दोस्तों नेचर की मैकेनिक्स में हमारा आता है लाइक सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स के अराउंड जितने हमारे सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं, ओके, तो इनकी जो लॉज होती हैं, इनकी जो एप्लीकेशंस होती है, यहाँ पे जितने फॉर्मूले डिराइव करेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, उसके बारे में जो फोर्स हमारा बताता है वो हमारा सेंट्रल फोर्स होता है। ओके, तभी हमने इसको बोला कि ये नेचर की मैकेनिक्स से बिलोंग करता है, बहुत ही ज्यादा क्लोजली उससे बिलोंग करता है।
तो जैसे हमारे नेचर की मैकेनिक्स में क्या क्या लॉज आ जाते हैं, जैसे अगर सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या लॉज हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारा एक न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, ओके, उसको न्यूटन का इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं, ओके। तो और दूसरा हमारा कैपलर्स लॉज भी होते हैं, कैपलर ने जो लॉज बताए थे, इन सब के एप्लीकेशन हम करेंगे क्योंकि ये काफी इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही चीजें हैं। क्योंकि अगर मैंने जो सिलेबस स्टार्ट करना था, मुझे सेंट्रल फोर्स के अंदर में कैपलर्स लॉ डिस्कस करना था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, जिससे आपको अगर उसमें कोई टर्म यूज करता हूं तो आप लोगों को समझ में आ सके, ओके। तो इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, बेसिक से स्टार्ट किया। तो हमारी ये प्रॉब्लम थी, लाइक आपने देखी लिया ग्रेविटेशन लॉ जो हमारी न्यूटन की इन्वेंशन थी। तो यहां पे क्या था, इसको किससे डिनोट करते हैं, फोर्स से, इज इक्वल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट हमारा है एक, ये तो हमारा हो गया इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ यहां पे क्या क्यों आया दोस्तों, तो वो है हमारा ये, ओके। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो न्यूटन के बारे में बात कर रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारा कैपलर प्रॉब्लम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वॉन्डर वाल में इसका यूज करेंगे, ओके। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स की जहां जहां इसका हम यूज करेंगे सेंट्रल फोर्स का अपना। तो दोस्तों जैसा कि हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि ये कहां कहां क्यों होती है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, और एक और जो हमारी थियोरेटिकल डेफिनेशन होती है सेंट्रल फोर्स की, उसको भी हम देखते हैं वो क्या चीज है। उसके बाद इसके जनरल फीचर्स को देख लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैपलर लॉ के मतलब कैसे यूज करके हम सेंट्रल फोर्स को अप्लाई करके अपना कैपलर लॉ लाते हैं, ओके। तो तब तक हम देखते हैं क्या होता है हमारा सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि हमेशा एक फिक्स्ड सेंटर की तरफ लगता है या फिर उस फिक्स्ड सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स दैट विच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और फ्रॉम द फिक्स्ड सेंटर, ओके। फिक्स्ड यहां पे सेंटर का नाम, फिक्स्ड वर्ड यहां पे कहां से आया दोस्तों, तो जो फिक्स्ड वर्ड यहां पे आया वो हमारे रिजिड बॉडी से था, उसमें मैं हमारे जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस था वो फिक्स्ड था, ओके। तो वहां से जब हम किसी चीज की डिस्टेंस मेजर करते हैं या फिर जो फोर्स बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ लगाते हैं उसको हम अपना सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ओके। तो दोस्तों जो हमारा सेंट्रल फोर्स होता है वो हमेशा एक पोजिशन का ही या फिर डिस्टेंस का ही फंक्शन होता है, ओके। जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा फंक्शन होगा बस डिस्टेंस का, ओके। जब हमारे ओरिजिन पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि उसके सेंटर की तरफ लग रहा है, फिक्स सेंटर अभी मैंने बोला, ओके, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ जो फिक्स सेंटर है उसकी तरफ लगेगा तो ये जो फंक्शन हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हमारी आर होगी, तो इसीलिए बस उसी चीज का हमारा वो फंक्शन होगा, ओके। तो अब बात आती है हमारी फंक्शन। तो दोस्तों जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो फोर्स होगा वो हमारा एफ आर इज इक्वल टू एन एफ आर। यहां पे एफ जो हमारा सेंट्रल फोर्स था वो हमारी यूनिट वेक्टर, एन इज द यूनिट वेक्टर दोस्तों, एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्टेंस आर जो ओरिजिन की तरफ लग रही है, ओके। ये हमारा हो गया एफ आर इज सेंट्रल फोर्स एंड एन इज द हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग आर, जो हमारा डिस्टेंस उस फिक्स सेंटर से बाहर की तरफ है अंदर की तरफ लगे तो उसके बीच की जो डिस्टेंस थी। अब बात आती है दोस्तों कि जब हम फिजिक्स में आगे जाते हैं तो यहां पे हम फोर्सेज अपने बता सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा फोर्स है। अगर यहां पे एफ आर जो है वो कम होगा लेस देन जीरो तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, एंड जब एफ आर इज ग्रेटर देन जीरो तब हमारा यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, ओके। तो ये दो चीजें हमारी यहां पे लगा सकते हैं, ओके। अब बात आती है हमारी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स थी हमने देख लिया इतना हो गया, फिर हमने देख लिया ये इतना हो गया, फिर लेस देन जीरो, फिर इतना हमारा हो गया, ओके। तो दोस्तों हमने यहां से देख लिया जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था वहां से हमने फाइनली फाइंड किया कि जो हमारी सेंट्रल फोर्स होती है वो दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बीच लगती है, ओके।
अब दो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का नाम यहाँ पे आ गया, तो इंटरैक्टिंग का मतलब अट्रैक्शन वहां पे टर्म यूज होगा। ओके, जब इंटरैक्ट करेंगी तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है, सपोज मेरे पास एक बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल है, ये इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है, ये इसके रिस्पेक्ट में छोटा है, ठीक है। तो जब इनके फोर्स बीच में फोर्स लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा एक लॉ आ जाता है, वो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। ओके, तो न्यूटन का तीसरा नियम हमें क्या बताता है कि जब कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो सेम बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स उतना ही फोर्स लगाती है। ओके, मतलब एक्शन रिएक्शन। तो यहां से हमने ये देखा, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे ये अट्रैक्शन फोर्स तो सेम हो गया, ठीक है, लेकिन जब आगे बढ़ते तो हम देखते हैं कि सपोज इसका जो एक्सेलरेशन है इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। ओके, क्योंकि हैवियर बॉडी है, इसका जो मूवमेंट होगा थोड़ा कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये जल्दी मूव करने लगेगी। ओके, तो हम यहां पे देख रहे हैं जब इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन बहुत कम है, तो सपोज इसको हम जीरो मान ले रहे हैं, ठीक है, तो जब ये जीरो हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, तो ये बॉडी हमारी रेस्ट पे हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये रेस्ट पे हो गया और ये मूव करने लगेगा, तो हम अब बात कर रहे थे जैसे एक बॉडी दो बॉडी, तो जब दो बॉडी मूवमेंट में थी तो वहां पे हमारी एक प्रॉब्लम अराइज होती है, वो हमारी थी टू बॉडी प्रॉब्लम। ओके, लेकिन जब एक बॉडी रेस्ट पे होगी तो वहां पे एक ही बॉडी अब उसके साथ अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स सारी प्रक्रियाएं करने के लिए मौजूद है, तो वहां पे हम अपना एक प्रॉब्लम लाते हैं, वो है हमारा वन बॉडी प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे टू बॉडी प्रॉब्लम को दोस्तों वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स है। ओके, हमने सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन देख ली, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वो किस टाइप से मिलकर बना हुआ है, कैसे उसके पर्टिकुलर टाइप्स हैं, लाइक रिजिड बॉडी, स्मॉल ऑसिलेशन। आई होप आप लोग ये चीजें समझ में आई हो, अगर ये चीजें समझ में नहीं आती तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि समझ नहीं आई, ठीक है। अब देखते हैं कुछ जनरल फीचर्स हैं, उन दोनों में डिस्कस कर देता हूं। तो दोस्तों अब हमने सेंट्रल फोर्स के जनरल फीचर्स पे आते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स के दो फीचर होते हैं, पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या करना होगा दोस्तों, जैसे हमारे पास पता है फोर्स क्या होता है, वो हमारे आर का या डिस्टेंस का बस फंक्शन होता है। ओके, एफ इज इक्वल टू एन एफ आर, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्टेंस आर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, वो हमारे ग्रेडियंट पोटेंशियल, ओके, माइनस ग्रेडियंट पोटेंशियल से बिलोंग करता है। तो हमने फोर्स को माइनस ग्रेडियंट वी डिनोट कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं फोर्स है हमारा एफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी आर या फिर यू आर, जो कि हम ले सकते हैं। अब पोटेंशियल आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे उसको डिनोट करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी आर हमारे पास हो गया। ओके, तब हमें लाना क्या है, कंजर्व करना है उसको। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारा ग्रेडियंट है। ओके, और जब किसी भी ग्रेडियंट का अगर कर्ल ले लेते हैं हम, और हमें तो पता है ऑलरेडी कि ये कि स्केलर फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो ये स्केलर फंक्शन जो उसके पास है और उसके जब कर्ल ले लेते हैं ऑलरेडी उसके ग्रेडियंट का, ओके, तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, इतना इज इक्वल टू जीरो। तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। हमने यहाँ पे क्या देखा, vr is a scalar function, the curl of the gradient of a scalar function is always zero। okay, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से ये बता रहा है कि जो हमारी functions थी, जो हमारा force था, वो distance का function था। okay, तो यहाँ से हम पता कर पा रहे हैं जो हमारा scalar function होगा वो हमारा एक conservative था, ठीक है। तो उस जो conservative force जो था हमारे पास, उसका जो energy था वो conserve हो पा रहा है, ठीक है। तो हमने यहां से अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। ओके, तो दूसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज द टोर्क एक्सर्टेड बाय द सेंट्रल फोर्स, ओके, ऑन द सेम पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल उसमें था उसमें हम अगर टोर्क एक्सर्ट कर रहे हैं, तब हमारा टोर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आर। ओके, यहां पर फोर्स हमारा था वो बस डिस्टेंस का फंक्शन है। ओके, और यहां पे आगे लिखते हैं तो एफ आर इज इक्वल टू एन एफ आर, हम ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू एन एफ आर, ठीक है, वो वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, ठीक है। तो अब यहां पे देख रहे हैं आर क्रॉस एन एफ आर, तो एन हमारा क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। तो आर अपॉन आर कैप हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और एफ आर। तो अब बात आती है हमारी यूनिट वेक्टर वाले टर्म की, तो आर क्रॉस आर, तो जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर
कोई भी पार्टिकल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक वैसा वेरिएबल अगर उसी प्लेन में लाई करता है तो उसके बीच जो एंगल होगा वो जीरो होगा। सेम प्लेन में लाई करता है तो वो एंगल हमारा जीरो होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये जो टर्म आ जाएगा वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है, ए बी साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करते तो ये हमारा जीरो आ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली हम एन इज इक्वल टू टोर्क इज इक्वल टू जीरो देख रहे हैं, लेकिन एक टोर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है वो है हमारा एन इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। तो आई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम और ऑलरेडी हमें एन की वैल्यू पता है, टोर्क जो है हमारा उसकी वैल्यू जीरो पता है, तो जीरो जो होगा वो आई इज इक्वल टू जीरो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो I is equal to constant. तो constant यहाँ पे ये बता रहे हैं दोस्तों कि किसी भी एक्सिस के थ्रू अगर रोटेट करते हैं हमारा पार्टिकल होके जाता है तो वो हमारा एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये इसके जनरल फीचर्स थे दोस्तों जो कि आप लोगों को मैंने इजीली बताने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ओके, और थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, और आपके कोई भी अगर नेक्स्ट डाउट हो, कोई टॉपिक अगर क्लियर कराना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इस टॉपिक का आपको वीडियो बनाना है। ओके, तो मैं जरूर ही बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।